स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल DK स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे क्लास 12 का रेज्यूम, देखेंगे कि रेज्यूम कैसे होता है, वो भी ट्रिक के साथ। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर कृष्णा कृष्ण फ्रॉम F9 मयूर विहार दिल्ली। यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन अ नेशनल डेली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेडियो जॉकी बाय रेडियो 1 नोएडा। अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड बायो डाटा। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एड्रेस क्या है और जो कंपनी हमें जॉब ऑफर कर रही है उसका एड्रेस क्या है और हमारा नेम। तो आइए दोस्तों करते हैं रेज्यूम। हमने यहाँ पर सेंडर एड्रेस रखा जो हमारा था F9 मयूर विहार दिल्ली, फिर उसके बाद डेट डाली, उसके बाद सेंडर एड्रेस रखा और उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी, क्योंकि हमें रेडियो जॉकी से रेडियो 1 से जॉब मिली है तो इसमें आएगा रेडियो जॉकी। ये किसी चीज़ की भी जॉब हो सकती है, टीचर की जॉब भी हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कुछ बैंक किसी की भी जॉब हो सकती है, कोई सी पोस्ट भी हो सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ये वाली लाइन याद करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे आई रीड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर नेशनल डेली, आई फाउंड माई सेल्फ एलिजिबल फॉर दिस जॉब, सो आई एम गिविंग माई रेज्यूम एज फॉलोज। न्यूज़पेपर का नाम दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप अपने पास से भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो। फिर देखते हैं इसके बाद एज फॉलोज बायोडाटा, बायोडाटा आ जाता है दोस्तों। बायोडाटा में आपने क्वेश्चन में देखा होगा दोस्तों, उसमें नाम क्या दिया था, कृष्णा, तो नेम में हम लिख देंगे कृष्णा। उसके बाद मदर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, फादर्स नेम कुछ भी लिख सकते हैं। एजुकेशन में दोस्तों आपका आ जाएगा ग्रेजुएशन, या फिर दोस्तों आ जाएगा आपका किसी चीज़ से आपने ऑनर्स करिए तो हिस्ट्री ऑनर्स, या फिर पॉलिटिकल ऑनर्स भी आ सकता है, ये आपके ऊपर है जो आप लिखना चाहें। फिर उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन, क्वालिफ़िकेशन में आ जाएगा जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो कंप्यूटर कोर्स, या आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या आप इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंटली हैं तो फ्लुएंटली इन इंग्लिश। दोस्तों उसके बाद फिर आ गया एक्सपीरियंस कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है अगर आपने इसमें जॉब कर रखी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन दिस जॉब, जो रेडियो जॉकी की जॉब थी। हॉबी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिकेट भी लिख सकते हैं और रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं, सिंगिंग इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप अपना फ़ोन नंबर पुट कर दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए और लास्ट में एक पॉइंट था ईमेल, जो उसमें आ नहीं पाया और ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेज्यूम, बस एक लाइन याद कीजिए और आपका रेज्यूम बिल्कुल कम्प्लीट। सो फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब the DK Study Point. Thank you so much.